जयपुर के परकोटा क्षेत्र में कर्फ्यू को लेकर पुलिस पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। पूरी तरह से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मीडिया, नगर निगम और मेडिकल से जुड़ी सभी तरह की सेवाएं भी प्रतिबंधित रहने वाली हैं। परकोटे से बाहर संक्रमण ना आ पाए, इसके लिए पुलिस अब बल प्रयोग करेगी। सरकार के पुलिस को सख्त आदेश है, तो वही कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते भीलवाड़ा में भी महाकर्फ्यू जारी है। टोंक, चूरू और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में भी कर्फ्यू लग चुका है, लगातार जारी है कर्फ्यू। और आपको बता दें कि अब सरकार के पुलिस को सख्त आदेश हैं, सख्ती से बल का प्रयोग किया जाएगा पुलिस के द्वारा, ताकि परकोटे से बाहर ये कोरोना का संक्रमण जो है वो ना आ पाए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यादवेंद्र, बताएं कि इस प्रकार से सख्त कदम पुलिस उठा रही है और किन किन लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए मनीषा, बिल्कुल बहुत जरूरी है कि जो कर्फ्यू का जो लगाया गया है परकोटा क्षेत्र में, जो कर्फ्यू लगाया गया है, इसमें सख्ती से यहाँ पर जो है इसकी पालना कराई जाए। चूंकि एक भीलवाड़ा ने एक बड़ी मिसाल कायम की है पूरे देश के अंदर, क्योंकि सबसे पहले जो एक डेंजर जोन जो बना हुआ था कोरोना वायरस का, वो बना हुआ था भीलवाड़ा। पूरे देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात सामने आई थी वो भीलवाड़ा थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं जब वहां पर जो पुलिस बल ने बहुत एहतियात बरती और कर्फ्यू लगाया गया, और वहां पर जरूरी जो सेवाएं हैं मेडिकल से जुड़ी कुछ सेवाओं को इसे परमिशन दी गई, बाकी सभी लोगों को पूरी तरीके से घरों में सील कर दिया गया है, पूरी तरीके से घरों में रहने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया है। वही चीज इस कर्फ्यू के दौरान देखने को मिली थी, और उसमें एक अच्छी चीज निकल करके सामने आई कि भीलवाड़ा के अंदर पॉजिटिव लोग हैं जो कोरोना से वो नहीं आए, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जरूरी समझा जा रहा था कि परकोटे में, यानी चार दीवारी का जो परकोटा जो क्षेत्र है, उसमें लगातार सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो लगातार सामने आई है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रशासन ने जरूरी समझा है, डीजी जो है एम एल लाडर साहब, उन्होंने भी इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं निर्देश जारी किए, तो उसके बाद यहाँ पर सख्ती दिखाई गई है। अब जो मीडिया जो कर्मी है उनको भी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो वहाँ मेडिकल से या पैरामेडिकल से जुड़ी जो सेवाओं के जो लोग वहाँ निवास करते थे, उनको भी अब घरों से निकलने की यहाँ पर मनाही कर दी गई है। सबसे अहम बात मनीषा ये है कि चूंकि परकोटे में जिस तरीके से सात थाना क्षेत्र में ये कर्फ्यू लगाया था, उसके बाद जो संक्रमण है वो परकोटे से बाहर निकल करके आया, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए बहुत चिंता की बात थी और सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई दी है कि लोग बिल्कुल ही नहीं आए वहां पर, तमाम तरह की जो चीजें सुविधाएं उनको पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाए, और वही हुआ। आज सुबह से ही सभी तरह के लोगों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाँ, यहाँ पर जो जरूरत की जो चीजें हैं, जो आवश्यकता से जुड़ी जो चीजें हैं, उनको यहाँ पर प्रशासन के इक्का दुक्का लोगों की ओर से यहाँ पर मुहैया कराया जाएगा। जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जरूरी है यहाँ पर। और ये अपील भी की है यहाँ पर जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने सभी को, यहाँ पर मीडिया कर्मियों से भी यहाँ पर अपील की है कि वो पुलिस का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें, क्योंकि एक वायरस कहीं ना कहीं जब बाहर आया है यहाँ से निकल करके परकोटे, तो कहीं ना कहीं पूरे जयपुर को अपने चपेट में ले सकता है। इसके लिए जरूरी समझा गया है कि इस कर्फ्यू के क्षेत्र को बढ़ा करके इसमें सख्ती से पालना करी जाए, और यहाँ पर तमाम तरह की जो आने वाले जो लोग हैं, चाहे खाना सर्विस की, खाने की जो सर्विस है देने वाले जो लोग हैं, उन पर सब पर प्रतिबंध लगाया जाए, और वही कुछ हुआ है। और ये बहुत जरूरी भी है और ये अच्छी बात भी है यहाँ पर मनीषा जी। बिल्कुल यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि कर्फ्यू पूरी तरीके से लगा दिया गया है। मीडिया कर्मी और जो चिकित्सा विभाग के जो भी लोग वहां पर हैं, उनके बाहर आने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से कोरोना का जो संक्रमण है, जो चार दीवारी है, उसके बाहर ना आने पाए। पुलिस को सख्त आदेश सरकार ने दे दिए हैं, लगातार अब बल का प्रयोग किया जाएगा पुलिस के द्वारा। पूरी तरीके से आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता योगेश शर्मा भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश, बताएं कि इस प्रकार से पुलिस पूरा ध्यान रख रही है कि किसी भी प्रकार से कोई गुंजाइश ना रहे संक्रमण फैलने की, किस प्रकार से नियंत्रण वहां पर है? भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू का पांचवा दिन है और भीलवाड़ा में कर्फ्यू लगे हुए टोटल 19 दिन हो गए। 19 दिन दिनों के बाद बिल्कुल बाजारों में और कॉलोनियों में सन्नाटा सा पसरा हुआ है। स्वयं सेल्फ अवेयरनेस भी आम जन में जागी है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लोग बाग अपने घरों में ही है। पुलिस ने भी बार बार अपील की और अभी वाहनों पे वो रूट मार्च करके भी ये अपील कर रहे हैं कि सब अपने अपने घरों में रहें। मनीषा जी बिल्कुल योगेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार हर जगह पर पुलिस सख्त है, सख्ती से हर कदम उठाया जा रहा है।
पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोरोना को किसी भी प्रकार से फैलने नहीं दिया जाए। सख्त आदेश सरकार ने पुलिस को दे दिए हैं। जयपुर की अगर बात करें तो परकोटा क्षेत्र में कर्फ्यू को लेकर पुलिस बहुत सख्त है, बल का प्रयोग किया जाएगा। परकोटे से बाहर कोरोना का संक्रमण ना आ पाए इसके लिए पूरी तरीके से आवाजाही बंद कर दी गई है। साथ ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते भीलवाड़ा में भी महाकर्फ्यू जारी है 19 दिन से। टोंक, चूरू और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में भी कर्फ्यू। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए टोंक से हमारे संवाददाता फिरोज उस्मानी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी फिरोज, बताएं किस प्रकार से टोंक में फिलहाल नियंत्रण। जी मैं बताना चाहूंगा कि ये लगातार कोरोना के पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं। अभी दो और पॉजिटिव मिलने की पुष्टि हुई है। इसके बाद क्या है कि टोंक जिले में 20 कोरोना पॉजिटिव के मामले हो चुके हैं। इसके बाद आज छठा दिन है कर्फ्यू का और पूरी तरीके से प्रशासन निगाह बनाए हुए है। खुद जिला प्रशासन के लोग, जिला कलेक्टर और ASP खुद बाइकों पे घूम घूम कर गली मोहल्लों में लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि वो घरों में ही रहें। जी बिल्कुल फिरोज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें टोंक में भी कर्फ्यू जारी है। जिस प्रकार से लगातार टोंक से मामले सामने आते जा रहे हैं, बहुत जरूरत है सावधान और सतर्क रहने की। लगातार पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है हर गतिविधि पे।